क्लास के बाद ना। सर आंसर्स आंसर्स बता दो सर। किसके बेटे? सर जो आपने दिए थे क्वेश्चन। हाँ लिख लो बेटे, पहले का आंसर है 0.52, फर्स्ट का आंसर है। सॉरी मैं आपको लिखने भी, आपने आप पूछा भी था मुझसे, आपने वो मैं दिमाग में नहीं रहा मेरे। 0.52 बेटे, 0.52 वोल्ट। बट सेकंड का आंसर है 1.07 वोल्ट। बट थर्ड का आंसर है 8.616 एम्पियर्स। 8.616 एम्पियर्स। बेटे फोर्थ का आंसर है 347400। जूल्स, एनर्जी है ना बेटे, जूल्स। बेटे फिफ्थ का आंसर है 13 PS 13। और बेटे इसका आंसर है आपका सिक्स्थ का बेटे आंसर है 0.056 लीटर्स। 0.056 लीटर। बेटे सेवेंथ का आंसर है 0.09 लीटर। 0.09 लीटर सेवेंथ का बेटे। आपको ना मैं लिख के भेजूंगा, व्हाट्सएप करूंगा आपको, इसके अलावा भी ना मैं आपको क्लास के बाद ना सारे आंसर व्हाट्सएप करूंगा आपको। बेटे एट्थ का आंसर था नहीं मेरे पास, वो सिंपल से क्वेश्चन निकाल लिया आप लोगों ने। डेंसिटी कैसे निकालनी है, लेट अस डिस्कस बेटे। थिकनेस है आपको, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ कॉपर बेटे दी हुई है, ठीक है। आपका प्रभुजोत आंसर क्या है, एट्थ का आंसर क्या है प्रभुजोत? 27202.36। Find out the number of coulombs required to create a, okay. 27202.36. Okay, I will check it. Basically, बेटे इसमें हमने देखो, हाँ जी। पहले वॉल्यूम निकाल लेनी है, फिर डेंसिटी इक्वल टू। पहले मास, पहले एरिया और थिकनेस दी हुई है आपको। यस सर। हाँ ठीक है। एरिया और थिकनेस दी हुई है, तो वहाँ से वॉल्यूम आ गया बेटे, ठीक है। फिर सर मास आ जाएगा पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। वहां से मास आ गया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फिर मास हो गया, वेरी गुड। फिर m इज इक्वल टू z क्यूब, दैट आई टी, यस यस, ठीक है। वहां चार्ज आ जाएगा आपका। नाइन्थ का बेटे आंसर है 643। मैं 643.22 नाइन्थ का बेटे आंसर है। बट टेंथ का बेटे आंसर है 0.05। नाइन्थ के दो पार्ट है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर भी पूछा है। फिर उसमें 190.5। कितने यार आपका भी? यस सर। वेरी गुड। बाकी बेटे सब आए हैं क्लास में? हु इज नॉट प्रेजेंट? सर हरमन। हरमन अगेन एब्सेंट है आज। ये पांडु पुत्र हमारा कमजोर है, एब्सेंट रहता है। ओके मेरे टेंथ का बेटे 0.05। टेंथ का बेटे 0.05 कंसेंट्रेशन है। ये टेंथ क्वेश्चन बेटे समझ में आया था आपको ना? नो सर। नहीं आया? नो सर। मैं बोर्ड पे करता हूँ बेटे इसको। इलेवेंथ का बेटे आंसर है 2 PH2।
इलेवेंथ आप खुद ट्राई करना, टेंथ में कर देता हूँ बेटे, फिर भी नहीं आएगा बताना, नेक्स्ट क्लास में बताना बेटे। टेंथ क्वेश्चन में बेटे देखते हैं, टू स्टूडेंट्स यूज सेम स्टॉक सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बेटे, बट दो स्टूडेंट्स हैं, लेट अस से ए एंड बी, या वन एंड टू, ए एंड बी, देयर टू स्टूडेंट्स आर देयर यूजिंग जिंक, बेटे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कॉपर बेटे रिड्यूस हो रहे हैं। Two solutions use same stock solutions of zinc sulfate and copper sulfate. The EMF of one cell is 0.03 volt higher than the other. The concentration of copper sulfate in the cell with the higher EMF value is a 0.05 m. Concentration of copper sulfate in the other cell. बेटे अब हमें same stock notations है, ठीक है, हमें इसकी value दी है, दो cell है हमारे पास। सर सेम स्टॉक सॉल्यूशन मतलब? बेटे सेम स्टॉक सॉल्यूशन मतलब दोनों बेटे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है। सेम स्टॉक सॉल्यूशन मतलब बोथ हैव अ सेम एनोड सेम कैथोड ऑफ जिंक सल्फेट, जिंक प्रोडक्ट एंड जिंक सल्फेट एंड कॉपर एंड कॉपर सल्फेट, ओनली द नंबर ऑफ आयंस आर डिफरेंट, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट है बेटे और ये सेकंड है। अब वो बोल रहे हैं जिसका जो ईएमएफ आएगा लेट अस से E2 कंसेंट्रेशन द हायर सेल इज 0.05, इसमें अपने एज्यूम कर लेते हैं एक हायर है, तो अपने बी एज्यूम इसको हायर एज्यूम कर लिया, इसकी उन्हें कंसेंट्रेशन दी है 0.5 है, and they ask you concentration of copper here. बेटे भाई thumb rule है और कुछ भी ना दिया हुआ, इसलिए यहाँ पे zinc का कुछ नहीं दिया हुआ, zinc ion कितने हैं, क्या concentration है, कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ nothing is given to you, thumb rule बेटे बीटे का one है, ठीक है, ये सारी chemistry के अंदर है बेटे mostly, जब हमें कभी equilibrium में कुछ दिया नहीं होता, volume वगैरह, volume we assume 1 liter. हमें तो टाइम दिया नहीं हुआ, टाइम भी अज्यूम से 1 सेकंड, ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से मिलेगा ये, इसमें टाइम दिया नहीं हुआ आपको, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर, हाँ फोर्थ है, उसमें टाइम नहीं दिया हुआ, तो वहां पे चार्ज निकालना आपने, तो अज्यूम 1 सेकंड, ठीक है, जहां पे भी दिया नहीं होता कुछ यहाँ पे अज्यूम 1 सेकंड। नाउ बेटा मेक अ टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन डू राइट नाउ बेटा, make two equations of EMF. अब बेटे यहाँ पे ने स्पेशल दिया हुआ है 2.303 RT by F is taken as 0.06. सर E not दोनों की सेम होगी? हाँ जी? E not दोनों की सेम होगी? Yes बेटे, same strong solution है ना बेटे? क्योंकि E not बेटे fix होता है ना, E not doesn't depend on concentration. They're saying two students of same stock solution. Two students use same stock solution of zinc sulfate copper. उसका मतलब ही यही है कि उसका E not same होगा बेटे। वो same cell है zinc copper का। बेटे ऐसे लो बेटे यहाँ पे zinc आए ऊपर आएंगे और copper आए नीचे आएंगे बेटे। ये मेरा equation, Herman बेटे, please note it. Question number 10th है बेटे। असाइनमेंट का दिया था आपको E नॉट 0.6/2 log है बेटे, ये 0.5 है, अब बेटे जो कंसेंट्रेशन थी कॉपर आयन की दैट इज 0.5, मैं टेक अ डिफरेंस ऑफ दिस बेटे, E2 माइनस E1 कर लो बेटे, जिंक कैंसिल हो जाएगा उसका, सॉल्व करो इसको, एंटी लो लेना पड़ेगा यहीं पे, यहाँ पे 0.05 आंसर आ जाएगा उसका। इसको जब माइनस करोगे आप कट जाएगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू, इसको हम काट सकते हैं 0.3
log of log m minus log n. ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस कर रहे हैं बेटा, ई टू माइनस ई वन कर रहे हैं, तो माइनस माइनस ये बेटे प्लस हो जाएगा. तो बेटे अगर कॉमन निकालेंगे बेटे बाहर हम इसको, हम तो लॉग एम माइनस लॉग एन, बेटे लॉग एम माइनस एन बेटे क्या बन जाएगा हमारा, बेटे जिंक में ऐसे काट रहा हूं दोनों में, ठीक है यहीं पे कट जाएंगे बेटे आगे. log m over log n बेटे, तो समझ में आ रहा है बेटे आप लोगों को, वॉइस क्लियर है? log m माइनस log, हाँ जी यस, जिंक कट जाएगा बेटे, जिंक कट जाएगा बड़े डिफरेंस में दिया हुआ 0.03. अभी कट जाएगा बेटे यहां से, बेटे वन आ गया, वन इज इक्वल टू लॉग 0.5 बाय कॉपर आयन, तो बेटे लॉग वन है कितना देगा, अगर क्वेश्चन बेटे बाय चांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है अगर आपका, तो आप चाहे यहाँ से ऑप्शन दी होंगी आपको, आपने रिलेशन बनाया यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेना बेटे, यहाँ से 0.03 बन जाए, ठीक है. अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया आपको, देयर इज नो नीड टू सॉल्व एट द एंड, चूज द ऑप्शंस, रिलेशन बनाओ उसमें ऑप्शन पुट करके देख लो बेटे, ए बी सी डी ऑप्शन पुट कर लो, तो जो डिफरेंस आपको 0.03 डिफरेंस मिल जाएगा जहां से ऑप्शन पुट करके, दैट इज द आंसर. हाँ क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको एग्जाम में. सर प्लीज वेट, रब मत करना. ओके निशी, हाँ जी बेटे हो गया? यस सर. ओके बेटे, तो बेटे लास्ट टॉपिक वी आर डूइंग द चैप्टर, लास्ट टॉपिक बेटे हम कर रहे थे सर, फर्स्ट आंसर मैच नहीं हुआ.
किसका बेटे? फर्स्ट आंसर मैच नहीं हुआ सर। फर्स्ट आंसर मैच। बेटे वो उसने नहीं किया अपने डेल्टा जी से? वैसे किया सर। मैच नहीं हुआ। आपने क्वेश्चन क्या बनाई? आपने फर्स्ट पोटेंशियल भी क्या दिया वो आपको? कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर जा रहे हैं। ठीक है, बेटे हमारा एम क्या है? कौन सी क्वेश्चन माइनस किया आपने? वो माइनस करना था, मैंने ऐड कर दिया, आ गया। हाँ ध्यान से करना बेटे। और देखो आपको यहाँ पे चाहिए ना बेटे, तो माइनस करना आपने। वन माइनस टू। यस सर। बेटे माइनस करना है। हाँ जी बेटे, बेटे वी आर डूइंग लास्ट इंडक्टेंस। एनी डाउट बेटे? एनी डाउट बॉयज? सर एनसीईआरटी में है। हाँ जी बोलो बेटे। बैक साइज में से? यस सर। क्वेश्चन नंबर सर फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ का वो सिंपल है मेरे ख्याल से। उसमें क्या प्रॉब्लम बेटे? फिफ्थ की फर्स्ट पार्ट में मैग्नीशियम मैग्नीशियम आयन दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट सर। फोर्थ पार्ट? हाँ फिफ्थ का फोर्थ पार्ट। हाँ बेटे वो तो है। मैंने डिस्कस किया आपसे कहा था बेटे, उसमें देखो ध्यान से बेटे, फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ आपको? प्लैटिनम, ब्रोमीन, लिक्विड, ब्रोमाइड आयन ऑफ 0.01 m पैरेलल लाइन हाइड्रोजन 0.03 टू हाइड्रोजन गैस एट 1 बार। बट इस केस में इफ यू सी द पोटेंशियल ऑफ ई नॉट ऑफ ब्रोमीन बेटे कितना आता है? बेटे यहाँ पे जो ब्रोमा जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन टू ब्रोमाइड दैट इज अ माइनस प्लस 1.09 बेटे, और जो हाइड्रोजन है दैट इज जीरो। तो वन थिंग इज क्लियर बेटे हियर कि क्वेश्चन में गलत दी हुई है। बिकम बाय रूल्स बाय कन्वेंशंस बेटे थिंग्स ऑन लेफ्ट साइड मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो बेटे, आप सी फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस। फर्स्ट थ्री क्वेश्चन में देखो आप, फर्स्ट में Mg टू Mg2 पॉजिटिव, Fe टू Fe2 पॉजिटिव, SN टू SN2 पॉजिटिव। उस समय बेटे ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे रिडक्शन क्यों दिया उसने हमें? जीरो टू माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे जो रिडक्शन है ये यहाँ पे तो रिडक्शन है कैथोड के ऊपर ऑन राइट हैंड साइड। तो बेटे बाय कन्वेंशन मीन्स क्वेश्चन इज रॉन्ग, हमें यही प्रूव करना है कि क्वेश्चन गलत है ये। ठीक है, मतलब गलती से किसी स्टूडेंट ने क्या किया, ब्रोमीन को लगा दिया एनोड पे और बेटे हाइड्रोजन लगा दिया कैथोड पे। जैसे आपने क्वेश्चन पूछे थे बच्चे डाउट्स में, तो बेटे जहां भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ना बेटे, सो बी अवेयर इस क्वेश्चन का बच्चे डाउट पूछा हुआ था जिंक वाला। बेटे जब भी आपको ऑक्सीडेशन दिया है ना बेटे, दोनों देखने आपने, तो आपकी ड्यूटी ऐसे चेंज करना रिडक्शन में। ठीक है, यू हैव टू सी द ऑपोजिट साइड। अब देखो, अब बेटे जिंक बन जाएगा एनोड, आयरन बन जाएगा बेटे कैथोड। सिमिलरली बेटे हेयर, अब उन्होंने क्या किया, जो ब्रोमीन था वो उन्होंने लगा दिया एनोड पे, दैट इज रॉन्ग। ठीक है बेटे, ब्रोमीन लगाया हमने नोड के ऊपर, जो कि ब्रोमीन बेटे आना चाहिए था कि थॉर्ड के ऊपर।
तो यहाँ से अब जब उन्होंने गलत लगा दिया उन्होंने जब अब हमारे पास यहाँ पे ठीक है बटे यहाँ पे और बटे हाइड्रेट बटे यहाँ पे ठीक है। सो इस केस में हमारा जो ई नॉट है दैट कम्स आउट टू बी अ थॉट माइनस ए नॉट तो यही हमें प्रूफ करना है यहाँ पे ई नॉट बेटे इसका माइनस में आएगा मतलब ई एम एफ ई भी निकाल लोगे बेटे माइनस में आएगा आपका ठीक है। ये बेटे क्वेश्चन में हाँ हमें गलत लिखना पड़ेगा हमें आंसर माइनस से प्रूफ करना है उसका वी हैव टू राइट द क्वेश्चन माइनस फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या किसने किया था बेटे आई जस्ट जल्दी चला गया वहां पे नॉट एबल टू रीड प्रॉपरली द क्वेश्चन बेटे देने के ऊपर ही होगा क्वेश्चन की जैसे वो क्वेश्चन देंगे एग्जाम में आपको आपने अपने बेसिक्स ही रखने हैं बेसिक्स आपके बेटे क्या होंगे हमेशा The element with a high reduction potential act as a cathode and with a lower reduction potential but act as a anode. Apne bete basics hi rakhna. Yes. It is non-spontaneous. It's non-spontaneous. Question maybe. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बेटे क्वेश्चन 18 का बेटे इन्होंने बताया था क्लास के अंदर आपको एक्वो सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट बेटे बाय यूजिंग अ सिल्वर इलेक्ट्रोड बेटे वही मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं जैसे कॉपर हमने क्लास में किया था इलेक्ट्रोड से कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड बेटे कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर ही रिड्यूस होगा इसमें बेटे सिल्वर के इलेक्ट्रोड है तो सिल्वर विल बी ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस ठीक है सेकंड केस में बेटे इन दैट केस सिल्वर विल रिड्यूस और सिल्वर हैज मोर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन At anode, it was series में दिखाई थी आपको sulfate, nitrate, OH, yes, OH will oxidize. ओके एनी क्वेश्चन बेटे यस बेटे यस नंदन जस्ट स्टार्ट टॉपिक बेटे इन टेस्ट क्वेश्चन बेटे 3.4 यहाँ पे बेटे क्वेश्चन पीएच 10 है यहाँ पे तो इन टेस्ट क्वेश्चन 3.4 ये अनसॉल्वड है मेरे पास सॉल्व क्वेश्चन क्वेश्चन कौन से बेटे प्लीज स्पीक बेटे बोल दो क्वेश्चन कौन से बेटे
सर कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टेक्ट विद द सॉल्यूशन हूज पीएच इज 10। सर इसमें फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आएंगे ना। हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन बेटे एक ही बात है। सी हियर बेटे जल्दी आप क्वेश्चन करा लेंगे ना हाइड्रोजन के ऊपर। सी हियर देखो बेटे बेटे बात एक ही है। यस बेटे बात एक ही है। नहीं नहीं उससे हाँ बेटे कैसे वो हाइड्रोजन जब भी पीएच निकालते हो ना बेटे आप कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे बेटे आप एक से करो चाहे आप दो से करो। ठीक है तो बेटे सी हियर आप एक इलेक्ट्रॉन लोगे हाफ एच टू हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है या इसको पैसे ले सकते हो आप। ठीक है तो इसके आप इक्वेशन बनाओगे तो वन से बना रहे बेटे आप वन इलेक्ट्रॉन इज देयर बेटे वी राइट लॉग ऑफ ये आ जाएगा बेटे हमारे पास। ठीक है अगर टू से लोगे बेटे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ दो आ जाएगा बेटे स्क्वायर। अल्टीमेटली उसने बेटे कटने ही कैंसिल ही होना उसने बाहर आके। ठीक है सिंस दिस फॉर्म इज नॉन कन्वेंशनल दिस फॉर्म इज अ कन्वेंशनल बिकॉज बेटे यू नो वी अवॉइड ऑल द फ्रैक्शंस। फॉर टू मोल ऑफ एच पॉजिटिव एंड टू इलेक्ट्रॉन है वन मोल की बेटे वन फैराडे है बात वहीं पे आनी है। मेटल्स पेयरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड मेटल सोल्यूबल बेटे प्लीज अगेन नंदन इज आस्किंग सेम क्वेश्चन। मेटल सोल्यूबल स्पेयरिंगली सॉल्ट नंदन बोलना बेटे। सर मेटल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड ये आपने करवाया नहीं सर। बेटे ये सिलेबस में नहीं है बेसिकली क्या है कि हमारे पास ऐसे वो होता है ना कन्वेंशनल इलेक्ट्रोड जो हमने लिया हुआ शी लिया हुआ है। ठीक है ये हमने बेटे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है मैंने कहा था बेटा बेटे आपको मैं क्लास के बाद क्लास दूंगा ऐसी इसमें कौन सी चीजें एक्स्ट्रा चीजें होंगी बेटे इसको बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड समटाइम बेटे वी आल्सो यूज दिस कैलोमल इलेक्ट्रोड फॉर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है बेटे इन दिस केस देयर इज अ मर्करी एंड सॉल्यूशन ऑफ बेटे मर्क्यूरियस क्लोराइड। बेटे मर्करी और मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है बिकॉज समटाइम बेटे यू नो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या लिमिटेशंस हैं देयर इज अ 1m HCl solution is there or hydrogen gas at a 1 atmosphere. Sometimes there is difficulty in arranging the 1m gas or 1m HCl solution. Okay? In that case, sometimes we use the Kalman electrode. Okay? And they are the sparingly soluble salts. Heavy salt, a bit of mercury. Okay? So in this case, it will act as anode. जब एनोड एड करेगा तो क्या होगा बेटे ये व्हेन इट एक्ट एज एनोड बेटे एंड एट डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन इट्स वैल्यू इज डिफरेंट डिफरेंट वोल्ट। ठीक है तो दिस बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन दैट केस। तो जो हमारे क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे सो मैनली बेटे थिंग्स आर देयर विच आर नॉट इन सिलेबस देयर एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है आई विल टेक वन क्लास में कहा था मैंने आपसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं बता दूंगा आपको मैं जैसे चीजें हमारे पास है मर्करी इलेक्ट्रोड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है इन दिस केस बेटे इफ एक्ट एज एनोड बेटे ये होगा और कैथोड में क्या होगा इधर रिवर्स। इन द कैथोड बेटे दिस इज एक्शन गॉट रिवर्स। ठीक है बट वी नेवर यूज दिस बेटे इन अवर सिलेबस।
क्या बेटे? जेई में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं इस टॉपिक से बेटे. मैंने कहा ना ये मतलब एक्स्ट्रा पार्ट में क्लास से बात लूंगा. मैंने कहा है ना ये टॉपिक ये थोड़ा सा बताने के लिए आपको इस टॉपिक का कैलमल इलेक्ट्रोड. ठीक है. और बेटे ये पता क्या आजकल जो आपका नीट का एग्जाम है प्रॉपर है ठीक है जेई मेंस का भी है ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको बेसिक वाले स्ट्रॉन्ग होने चाहिए पहले आपके. तो पहले आप इन चीजें करोगे ना बेटे आप तो आपका जो बेसिक पार्ट है वो नहीं बनेगा स्ट्रॉन्ग पहले आपका. क्या होता है बेटे जो मेरा प्रिंसिपल है टीचिंग का फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेटे फाउंडेशन. पहले आपकी फाउंडेशन बेटे स्ट्रॉन्ग हो जाए. ये सब तो बेटे डेंटिंग पेंटिंग है. एक बार आपकी अच्छी बिल्डिंग बन जाए आपकी बेसिक बन जाए कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है एनोड कौन सा है कि कैथोड कौन सा है कैसे क्वेश्चंस करने हैं. एक बार जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना बेटे आपका फिर बस कोई भी डेंटिंग पेंटिंग है ये. एक बार अच्छी बिल्डिंग बन जाए आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बस फेदी पेंट जो मर्जी करते रहो चाहे पिंक कलर करो चाहे ब्लैक कलर करो चाहे ग्रीन कलर करो जो मर्जी कलर करते रहो तो पेंटिंग का पार्ट है. फर्स्ट योर बेसिक मस्ट बी स्ट्रॉन्ग बेटे. ठीक है. ये मैंने कहा था मैं आपसे क्लास में लूंगा आपको. नाउ इट इज क्लियर बेटे. इसका मैं और भी बताऊंगा अभी आपको मैं. बट लेट मी कंप्लीट टॉपिक बेटे. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर टुडे मैं खत्म कर दूं आज आपका मैं इनोड टॉपिक सॉरी टॉपिक ऑफ द कनेक्टिविटी बेटे. बट एनी डाउट सर मर्करी सेल में एक लाइन थी एज द ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन हुज कंसंट्रेशन मे चेंज देयरफॉर दिस सेल गिव्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट. यस सर. फिर फ्यूल सेल में भी कोई आयंस नहीं होते फिर उसमें भी कांस्टेंट? नहीं 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 बेटे क्या है कि फ्यूल सेल में जब आप फ्यूल सप्लाई कर रहे हो ना बेटे आप जैसे आपका पेट्रोल इंजन है बेटे जो तो फ्यूल उसके अंदर फ्यूल है वो काम करेगा. यस सर. जब फ्यूल ही खत्म हो गया बेटे तो सेल रुक जाएगा वो आपका फ्यूल सेल. उसको बेटे कंपेयर किया हुआ मर्करी सेल को ड्राई सेल के साथ. जो ड्राई सेल है ना बेटे उनकी लाइफ की लंबी लाइफ नहीं होती उनकी क्योंकि उसमें जो आयन जैसे अमोनियम क्लोराइड अमोनियम आयन बनता है ना उसके अंदर दैट इज अ कोरोसिव इन नेचर. यस सर. दैट रिएक्ट विद द जिंक और जिंक से बेटे कंपाउंड बना लेगा और जिंक का जो कंटेनर है दैट बिकम्स अ वीक. स्लोली बेटे वो सेल पड़ा रहे ना बेटे 6 मंथ के बाद 8 मंथ के बाद 1 ईयर के बाद स्टार्ट प्रॉब्लम लीकेज. वो सेल लीक कर सकता है. ठीक है. यस सर. लेकिन बेटे मर्करी सेल में ऐसा नहीं होता. ओके सर थैंक यू सर. हाँ मर्करी में कोई आयंस नहीं बनता कोई. बट यू कैन नॉट कंपेयर बेटे मर्करी सेल विद द फ्यूल सेल. बेटे फ्यूल सेल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई है एफिशिएंसी फ्यूल सेल की. और इट इज यूज इन द बिग प्रोग्राम लाइक अ स्पेस प्रोग्राम अपोलो स्पेस प्रोग्राम. इट इज यूज अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज यूज बिकॉज इन दैट केस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका फ्यूल सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज अ वॉटर एंड दैट इज अ प्योर वॉटर. द साइंटिस्ट इन द स्पेस प्रोग्राम यूज दैट वॉटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज ओनली. देयर उससे पानी निकलता है उसको पी लेते हैं बाकी बेटे सेल चलता रहता है एनर्जी मिलती रहती है उनको. यस बेटे एनी अदर क्वेश्चन? ओके बेटे स्टार्ट टॉपिक बेटे दैट इज अ कनेक्टिविटी कंडक्टेंस एंड बेटे ऑल थिंग यू आर डूइंग दैट थिंग्स. But last time we have done topic of conductivity, conductance into a cell constant. ये कोई solution हमारे पास है. So बेटे as we know बेटे जो conductivity है that depends upon the उसके solution के बेटे ions कैसे हैं volume कैसा है all these things. एक बेटे क्वेश्चन लिखो जरा एक क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग
कंडक्टिविटी इन द एक्वा सोल्यूशन, कंडक्टिविटी इन द एक्वा सोल्यूशन. बेटे फर्स्ट टाइम हमारे पास but arrange the following ions. Arrange the following ion in the increasing order of their conductivity, their conductance. So the conductivity or conductance depends upon the, so the 1 centimeter cube mein kitne ions hain. हमारे पास बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर कितने आयंस हैं? दैट इज कॉल्ड करंट कैरी कैपेसिटी ऑफ द आयंस इज ऑल द कनेक्टिविटी. बेटा इनको हमने अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कनेक्टिविटी. So as you know, the connectivity depends on the number of the ions. First is the kappa hai. Connectivity depends upon the number of the ions. Second, if number of ions is same, charge on the ions. If number of ions is same, it depends upon the charge on the ions. बेटा ये भी सारा कंपटीशन पार्ट है, मतलब बोर्ड में नहीं आएगा आपको. एंड थर्ड बेटे इट डिपेंड्स ऑन बेटे चार्ज भी सेम है, साइज ऑफ द आयंस. इन एक्वस मीडियम बेटे कनेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द आयंस. इफ नंबर ऑफ आयंस इज सेम, चार्ज ऑन द आयंस. ठीक है यार, वो भी सिर्फ साइज ऑफ द आयंस इन द एक्वस मीडियम. दिस इन ऑपरेट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. सो दे विल नॉट आयोनाइज, यू नो वेरी वेल. सब सॉल्यूशन में किया हुआ आप लोगों ने, उसमें किया था हम लोगों ने नेसलेस रिएजेंट. So which has the highest connectivity? Three, 1, 2, 4. No. 3, 4, 1, 2. No, no. But you are seeing very carefully. It is a 2 and a 3. It is 2 and 3. So how many ions it will give? Like aluminium sulfate. Yes. Not 4, 3, 2, 1. No, 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 Prabhuji. Okay, everybody. Harman ka answer nahi aaya. Nahi hai. Still one is left. One probability is left.
Yes, one probability is left. Yes. 4, 3, 1, 2. Yes. But this will give you 5 ions. But 2 ion is K. But 3 ion is K, no? On ionization. But valency puri ho jayegi, वैसे charge you know very well. That is aluminium sulfate hota hai ऐसे. There will be a 5 ions. ठीक है? There will be how many ions? 2 ions. ठीक है? There will be 2 ions. Yes. But in this, how many ions are there? Second option, ions will be 0. Yes. And then first, there are how many ions? The first also, yeah, Nandan. That is a 2 ions. Yes, yes. But यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. But the charge is +2 and -2. It is a magnesium metal. How much बेटे charge क्या आएगा? +2 and -2. And +1, and बेटे -1. Charge is there. ठीक है. बेटे 4, 3, 1, 2. ठीक है. There is a connectivity. ठीक है. सिमिलरली लेट अस से इफ आई टेक अ सपोज करो लिथियम क्रोमियम जैसे लिथियम इज देयर सोडियम in this case we have it lithium sodium potassium cesium is there okay very fast okay so but as you know but in the aqueous medium but which ions will move fast yes because of the size but in the aqueous medium lithium is very bigger in size the connectivity is small it is clear to all also but okay But right next topic is about molar connectivity. Molar connectivity that is lambda. Molar connectivity. Every definition of it is molar connectivity. The molar lambda estimate symbol is lambda m green lambda the symbol is lambda but wo lambda nahi hai wavelength wala the greek lambda theek hai it is called the molar connectivity beta But 3-4 topic we have done. First of all, resistance, conductance, connectivity, and last topic is what? Molar connectivity and its variation for strong and weak electrolytes. The last topic of the chapter. Everybody, molar connectivity lambda n. Very basic definition is key, right? But molar connectivity of a solution. Molar connectivity. Of a solution at a dilution V at a dilution V the molar connectivity of a solution at a dilution with V due to the volume dilution V is the conductance of all the ions produced
कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolved in V centimeter cube of solution when the electrodes are one centimeter apart. V centimeter cube of solution when the electrodes are one centimeter apart. And the area of electrodes is so large that the whole of the solution is contained between them. मैं दोबारा से बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से. The molar nativity of a solution at a dilution V is defined as the conductance of all the ions. जोड़े में दो इलेक्ट्रोड लगे हैं बेटे. Conductance of all the ions produced from one mole of electrolyte. But यहाँ पे हमने one mole लिया हुआ है. Produced from one mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution. When the electrodes are one centimeter apart and the area of electrodes is so large that the whole of the solution is contained between them. बस तुम लिख लिए सपने बेटे. Everybody has written बेटे. बेटे ध्यान से देखना, थोड़ा सी कंफ्यूजिंग है ये, अभी चीजें आएंगी थोड़ी सी. Please be very careful. So बेटे एट अ मोलर नेटिविटी बेटे इज डिफाइंड एज द मोलर नेटिविटी एट अ डिल्यूशन वी वी सेंटीमीटर क्यूब बेटे वापस से सॉल्यूशन का वॉल्यूम है. द कंडक्टेंस लेंथ ऑफ द इज वन एंड एरिया इज सो लार्ज द होल सॉल्यूशन कंटेन बिटवीन देम. ठीक है वॉल्यूम क्या होता है बेटे, यू नो एरिया इंटू लेंथ बेटे. वॉल्यूम इज अ एरिया इंटू लेंथ. ठीक है, लेंथ बेटे हमने वन ले ली इसकी. ठीक है, तो कंडक्टेंस इंटू कप्पा इंटू बी सेंटीमीटर क्यूब बेटे. कप्पा इंटू बी सेंटीमीटर क्यूब विच कंटेन्स वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. An area is so large
The whole solution is contained between them. It's the conductance of solution. Okay? That is between lambda and molar inductivity is equal to kappa into volume. कितने वॉल्यूम में बेटे कितने हमारे पास नंबर ऑफ आयंस हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट बेटे कप्पा इनटू बेटे वॉल्यूम बेटे एज यू नो बेटे इफ वी हैव मोलैरिटी एम बेटे मोलैरिटी एम का बेटे मतलब क्या होता है वी हैव अ एम मोल्स इन बेटे दैट इज अ 1 लीटर एम मोल्स इन अ 1 लीटर ठीक है 1 लीटर मीन्स बेटे 1000 cm³ दैट इज अ मोलैरिटी सो मोलर कंडक्टिविटी एट अ डिल्यूशन वी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बेटे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट चाहिए मुझे बेटे एम मोल के लिए वी हैव This was solution between. Okay, 1 mole में बेटे कितना volume होगा? Thousand by m बेटे. बेटे volume of solution बेटे. 1 mole के लिए 1000 by m. So molar inductivity is equal to kappa into बेटे volume. कितना volume solution लिया आपने? Which contains a 1 mole of electrolyte. एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितने आयंस आएंगे उनकी जो करंट कैरी कैपेसिटी होगी दैट इज कॉल्ड द मोलर कनेक्टिविटी और सिंपल कनेक्टिविटी बेटे क्या होती है सिंपल कनेक्टिविटी में वी डोंट डिफाइन द मोल हम उसमें मोल डिफाइन नहीं करते कनेक्टिविटी बेसिकली आ नंबर ऑफ आयंस कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन बट फॉर मोलर कनेक्टिविटी और ऐसे बेटे एक टॉपिक और भी आपको आता है वो एक्स्ट्रा पार्ट है दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ये बेटे आपको एक्स्ट्रा बुक्स में अपनी मिल जाएगा लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है ये बेटे इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी हमारे सिलेबस में नहीं है कंपटीशन में बिकॉज बात सेम ही होती है नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की ठीक है चांस काफी कम है वहां भी पर चलो दैट इज वेरी इजी आल्सो नो प्रॉब्लम बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो बेटे हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बेटे उसको बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी इफ इनसेड ऑफ 1 मोल आई टेक अ 1 ग्राम इक्विवेलेंट और बेटे 1 मोल की जगह हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लें बेटे वो क्या बन जाती है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी That comes a equivalent conductivity. But a formula kya aayega hamare paas? Kappa into 1000 upon molarity. But yahan pe kya aayega? Kappa into 1000 by normality. For molarity aur normality mein hame relation pata hi hota hai. But relation kya hota hai? Kisi bhi salt ke liye. Koi bhi salt agar hamare paas yahan pe hoga, NaCl hai, calcium chloride hai, aluminium sulfate hai. ठीक है तो उस केस में वो उसको हम देख लेंगे बट डिल्यूशन बेटे वी का मतलब है कि हमने 20 cm³ लिया हुआ है कोई एक वॉल्यूम डिफाइन कर दिया एट अ डिल्यूशन वी ठीक है कोई भी हमने वॉल्यूम डिफाइन कर दिया द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट अ डिल्यूशन वी 10 cm³ पे 50 cm³ पे कोई भी वॉल्यूम डिफाइन कर दिया बेटे आपने दैट इज डिल्यूशन वी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन अ 20 cm³ ऑफ सॉल्यूशन इसे आपने डिफाइन कर दिया 10 ml पे क्या होगा 10 ml पे बेटे कितने नंबर ऑफ आयंस लेंगे हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए दैट इज कॉल्ड द मोलर कनेक्टिविटी नहीं नहीं बेटे ऐसा नहीं होता बेटे व्हेन वी ऐड द वाटर ऐसा कुछ नहीं है बेटे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया आपने कोई नेचुरली वाटर में बनाया बेटे हमने सपोज करो या अल्कोहल में बनाया हमने तो उसका हम बेटे 10 ml ले सकते हैं उस चीज का हम
ठीक है, सपोज करो आपने कोई 10 लीटर सॉल्यूशन बना लिया, बट आई वांट टू फाइंड कि उसकी 10 ml में कितनी कनेक्टिविटी है, 100 ml में कितनी कनेक्टिविटी है, 100 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी कनेक्टिविटी है, आई वांट टू नो दैट. यस, इवन स्टूडेंट्स कौन से एंटर कर रहे हैं? ऋषि हैज राशिद एंटर वेटिंग रूम फॉर दिस मीटिंग. स्टूडेंट्स इसी क्लास के हैं, मतलब ये एक बार और भी आया था. डू एंटर देम? कौन सर? राशि इज देयर? राशि? नो सर. ओके देन वन मोर इज ओके. तो बेटा मोलर नेटिविटी डिफाइंड एज द फर्स्ट आई एम रबिंग दिस वन. बेटा मोलर नेटिविटी एट डिल्यूशन वी इज डिफाइंड एज द conductance of all the ions produced from a 1 mole of electrolyte in a V centimeter cube of solution. So here lambda m is equal to molar inductivity kappa into volume. But the volume jo hamare paas aayega, theek hai, that is a volume. But the molarity m mein, that is the volume kitna aa raha hai iska? The volume of solution which contains a 1 mole of electrolyte bete. Volume of solution which contains 1 mole of electrolyte is equal to 1000 by m. That is a molar inductivity lambda m. The lambda m is equal to kappa into 1000 by molarity. Now, but for this formula, the kappa hai, it must be 7 centimeter inverse. बेटे वॉल्यूम हो गया हमारे पास, बेटे यहाँ पे जो मोलैरिटी है बेटे हमारे पास होगी मोल्स पर लीटर में. बेटे अभी आपके बुक खुली आपके पास है नहीं? एनसीईआरटी बुक खुली हुई आपके पास सबके पास प्रेजेंटली? बेटे बुक खुली आपको एनसीईआरटी की सबके पास क्या? ओके बेटे सी यूनिट्स देखो बेटे उसमें ना एक्चुअली दिस टॉपिक इज वेरी कंफ्यूजिंग द यूनिट्स. इसके बेटे यूनिट्स जो इसके बनेंगे हमारे मोल्स पर लीटर बेटे ऊपर आ जाएगा. यूनिट क्या बनेंगे इसके हमारे पास? यूनिट्स ऑफ लैम्डा एम दैट इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. बेटे जो मोलैरिटी हमने लेनी है उसके अंदर बेटे मोल्स पर लीटर में लेनी है अगर हमें, तो बेटे इसका मोलैरिटी ऑफ लिमिटेड जो क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में वो जो मोलैरिटी होगी वो मोल्स पर लीटर में होगी ऑफनली. ठीक है, दिस आर नॉट एसए यूनिट. फॉर एसए यूनिट फिर क्या बन जाएगा इसका? फॉर एसए यूनिट्स ठीक है दैट इज अ माइनस 4 7 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. एंड फॉर दैट बट इफ कप्पा इज इन दिस वन बेटे कप्पा अगर हमारे पास सपोज करो यहां बेटे बड़ा कंफ्यूजन है यूनिट्स के अंदर. यू हैव टू बी वेरी केयरफुली बेटे कौन सा हमने फार्मूला यूज करना है. मोस्टली वी यूज दिस फार्मूला बेटे इन द न्यूमेरिकल्स. बेटे मोस्टली वी यूज दिस फार्मूला वाई बिकॉज बेटे जब भी क्वेश्चन आपको आएगा मोलैरिटी के अंदर तो मोलैरिटी बेटे हमेशा आपको मोल्स पर लीटर में दी होगी. ठीक है, सी हियर. अगर बेटा ऐसे ही फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपने ऐसे ही फॉर्म में यूज करना है बेटा प्रॉब्लम क्या आएगी वहां पे आपको? दैट इज अ कप्पा सैमन बेटे मीटर इनवर्स में है. फिर यहाँ पे जो बेटे जो मोलैरिटी है आपकी वो किस में आएगी? मोल्स पर मीटर क्यूब में आएगी. बट डू यू नो बेटे 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर? 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर. वेरी गुड प्रोफेसर. बेटे उस केस में क्या होगा? जो मोलैरिटी आपको दी होगी बेटे जो मोलैरिटी आपको दी होगी वो मोल्स पर लीटर में होगी बेटे मोलैरिटी. ठीक है, मोल्स पर लीटर में होगी.
तो उसको आपको मीटर ट्यूब में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, इफ यू सी इन द बुक्स बेटे, इसके यूनिट से कंफ्यूजिंग मिलेंगे आपको क्वेश्चन करते हुए भी, तो उसमें बड़ा ध्यान रखना आप लोगों ने। जैसे आपको बेटे एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही दिया हुआ है एक आपके, माइनस नाइन, नो 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 बेटे, 1 m³ 1000 l है ना बेटे, 1 m³ 1000 l, यू डोंट नो 1 m, नॉट 1 m³, यस यस यस। तो बेटे इस केस में क्या होगा आपका, सो कप्पा इनटू 1000 बाय मोलैरिटी। तो बेटे यहाँ ध्यान रखना हमें, बड़ा केयरफुल रहना है, कप्पा जो है आपका वो 7 cm इनवर्स में होगा और जो मोलैरिटी है वो मोल्स पर मीटर क्यूब में होगी, मोल्स पर लीटर में होगी, जो कि ऑफली हम यूज करते रहते हैं बेटे। वहां अभी तो आपको थोड़ा बेटे इजी लग रहा होगा कि हम कर लेंगे, लेकिन मैंने बेटे गो इन एग्जाम ना, लेट अस ए बोर्ड एग्जाम ही आप मिस्ट्री का आपका, यू हैव द एंटायर सिलेबस विद यू। तो जब एंटायर सिलेबस होता है बेटे, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ना बेटे वहां पे ध्यान में नहीं रहती। तो वी हैव सीन अवर इन अवर टीचिंग कैरियर, लॉट ऑफ स्टूडेंट डू बेटे सिंपल मिस्टेक्स। आपने बेटे ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी टॉपिक किए अभी आप लोगों ने, क्वेश्चंस आर नॉट सो डिफिकल्ट। ठीक है, क्वेश्चंस आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने, ये चैप्टर खत्म होने को है बेटे हमारा, तो आपने देखा बेटे अपने टॉपिक्स आर वेरी कंपैरेटिवली इजी, बट देयर आर वेरी फाइनल डिटेल्स आर देयर, स्मॉल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। जैसे ऑक्सीजन पोटेंशियल ही है, कहीं रिडक्शन दिया हुआ आपको, कहीं ऑक्सीडेशन दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, चीजें मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजन जरूर है, वही यही भी बच्चों ट्रैप करते हैं वो, कॉम्पिटिशन भी हो चाहे बोर्ड भी हो। वेन यू हैव एंटायर सिलेबस विद यू, यू नो बेटे अभी पेपर दिया होगा मार्च में आप लोगों ने प्लस वन का भी, यू हैव सीन द एंटायर सिलेबस विद यू इन द सिंपल बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, यू फॉरगेट समथिंग, यू आर डूइंग द समटाइम यू डोंट मल्टीप्लाई जूल्स वाला जैसे क्वेश्चन है वहां पे, डोंट टेक किलो जूल्स, एंथैल्पी निकाल रहे हो आप, वहां पे जो आर है वो जूल्स में है, एंथैल्पी किलो जूल्स में है, एंट्रोपी जूल्स में है, यू हैव लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दैट क्वेश्चंस। स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर भी प्रेशर इन द एटमोस्फियर के अंदर है, वहां पे आर किस में दिया हुआ, बार में दिया हुआ आपको, इसमें भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी बेटे ये छोटी गलतियां बहुत होती हैं आपकी वहां पे। तो अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे रखना है आपने, ठीक है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई बेटे अपने ऐसे रखना है जो अच्छे स्टैंडर्ड यूनिट्स में आ रही है, क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपको, अगर एनसीईआरटी बुक है बेटे उसके नीचे बेटे सॉल्व क्वेश्चन देखो, एक सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ उसका नंबर मुझे याद नहीं है, सेल के क्वेश्चन है बेटे उसके अंदर, आई जस्ट सीन अ क्वेश्चन, उसमें टॉपिक बेटे नीचे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, केसीएल सॉल्यूशन का होगा 0.1 m केसीएल सॉल्यूशन इज देयर, सेम क्वेश्चन यस, द रेजिस्टेंस ऑफ बेटे कनेक्टिविटी सेल फिल्ड विद द 0.1 m मोल पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन मिल गया बेटे सबको क्वेश्चन, प्लीज सी इट्स सॉल्यूशन। इसमें बेटे हमने कापा भी निकालना है, मोलर कनेक्टिविटी भी निकालनी है इसके अंदर हमने, ठीक है, व्हेन यू रिप्लेस द सॉल्यूशन विद द 0.02 m केसीएल सॉल्यूशन उसकी आपने बेटे कनेक्टिविटी निकालनी है बेटे। एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन है बेटे, टॉपिक चल रहा है ना ये, एनसीईआरटी का इन टेस्ट क्वेश्चन है, टॉपिक निकाल लो बेटे, टॉपिक ऑफ मोलर कनेक्टिविटी, उसके नीचे क्वेश्चन है, उसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कनेक्टिविटी सेल फिल्ड विद द 0.1 मोल्स पर लीटर केसीएल सॉल्यूशन। बॉयज बेटे बुक्स है आपके पास, बॉयज बुक है बेटे आपके पास, बोर्ड पे लिखूं फिर मैं, ओके देन आई हैव अ क्वेश्चन। But I had a question. The resistance of conductivity cell,
connectivity cell filled with 0.1 m moles per liter KCl solution is 100 ohms. The resistance of a conductivity cell filled with 0.1 m moles per liter KCl solution is 100 ohms. If the resistance of same cell, when filled with 0.02 m KCl solution is 520 ohms. Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 m KCl solution and the conductivity of this solution is 0.1 m moles per liter KCl solution is 1.29 Sm/m². Everybody get the question, bete? Yeah, Nandan, Akshay. Yes, sir. Okay. बेटे क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे, क्वेश्चन इज वेरी इजी, ठीक है। बट जो मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आने वाली है वो बेटे आने वाले यूनिट्स के अंदर। आई थिंक बेटे आपने निकाल दिया थोड़ा सा आपने, चाहे आप पूरा सॉल्व ना भी करो उसको, आप रेशियो में निकाल लो। टेल मी दैट पहले आप क्या कर रहे हो, बट व्हाट यू आर फाइंडिंग फर्स्ट। सॉल्व बेटे घर पे कर लेना इसको, बस लंबा ये कनेक्टिविटी बेटे निकालनी है आपने। बेटे कैसे निकाल लो कनेक्टिविटी आप, इसके लिए आपने बेटे कापा निकालना है, लैम्डा एम निकालना है, मॉडल कनेक्टिविटी निकालनी है बेटे आपने। जो फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस से बेटे आप क्या निकाल रहे हो आप, द फर्स्ट केस, यस, सेल कॉन्स्टेंट, वेरी गुड, ठीक है। बेटे चाहे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व घर पे कर लेना, आपका एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन ही दिया मैंने आपको ये, आई जस्ट वांट टू गिव द, आई वांट टू शो द दिस थिंग बेटे, यूनिट्स का कितना यहाँ पे बड़ा प्ले है यहाँ पे। क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है इसके अंदर बेटे, क्वेश्चन इज वेरी इजी। एक बार बेटे हमने इसका लास्ट टाइम क्लास में किया भी था, तो ऐसे का सेम सेल लो, उसके अंदर बेटे डिफरेंट सोल्यूशन हो, कनेक्टिविटी विल बी डिफरेंट, मोलर कनेक्टिविटी विल बी डिफरेंट। Because the conductivity and molar conductivity both changes
with change in number of ions as well as dilution. Okay, both will change. और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में भी सेम ही था, KCl है बेटा, KCl है, ठीक है, बट बेटा यहाँ पे जो मोलैरिटी है उनकी बेटा चेंज होगी मोलैरिटी, ठीक है बेटा। फर्स्ट केस में हमने कहा था सेल कांस्टेंट, बेटा सेल कांस्टेंट आपका मीटर में आएगा, ठीक है, ये बेटा मीटर में आएगा सेल कांस्टेंट आपका, मीटर इनवर्स में आएगा सेल कांस्टेंट बेटा। उससे निकाल देंगे कापा, ठीक है बेटे, कापा हमारा हो जाएगा 1/r × L/A, एल बाय हमारा आ गया वो मीटर इनवर्स में होगा हमारा, बेटे आर हमें दिया हुआ है, ठीक है, सो इट इज सो सिंपल। हमारा जो भी आंसर है बेटे वो हमारा 7 मीटर इनवर्स में आ जाएगा हमारा आंसर। नाउ अब बेटे मेन प्रॉब्लम क्या आती है, since but in the every books and every solutions when you going to solve the questions on molar conductivity, okay, in the NCERT books also, in other separate books also, but we use this formula, on sab books mein ye formula use kiya hua hai, to us case mein kya hoga, aapke bete dimag mein ye formula print ho jayega, and if you use this formula this is print in your mind, theek hai, but if you do in a paper एग्जाम बेटे आप लैम्डा एम निकाल रहे हो और आपने वहां पे अनोइंगली यू पुट द फॉर्मूला दिस वन कापा एंड 1000 बाय मोलैरिटी, ठीक है बेटे बी केयरफुल यहां पे बेटे कापा जो है वो बेटे आपका 7 सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, अदर भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, आपका 7 मीटर इनवर्स में आ गया द क्वेश्चन आंसर विल बी रॉन्ग, बिकॉज बेटे जो मोलैरिटी है वो 100% बेटे आपको हमेशा मोल्स पर लीटर में आएगी, मोलैरिटी बेटे कभी भी एग्जाम में पर मीटर क्यूब मोलैरिटी कभी नहीं आती, बिकॉज यू नो मोलैरिटी बेटे ऑलवेज गिव्स अ मोल्स पर लीटर, तो यहाँ बेटे चांसेस आपके एरर बन जाएंगे, ठीक है, तो डू वेरी केयरफुली फॉर दिस फॉर्मूला कापा मस्ट बी इन 7 सेंटीमीटर इनवर्स और मोलैरिटी वो हमारी मोल्स पर लीटर में रहेगी। इफ दे वांट एसए यूनिट तो फिर यहां पे चेंज कर देना, बस सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर बना देना, ठीक है, अदरवाइज बेटे अगर मेंशन इज नॉट देयर तो इतना फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप एसए यूनिट में आंसर दे दो चाहे इसमें आंसर निकाल दो तो बोर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा बेटे कॉम्पिटिशन के अंदर व्हेन दे गिव यू आंसर मर्जी आपकी, चाहे मोलैरिटी कन्वर्ट करो चाहे बेटे इसको कन्वर्ट कर लो कापा को, आपकी मर्जी है आपकी, तो बेटे आपने मोलैरिटी कन्वर्ट करनी है आपने, यहाँ पे जो आपका कापा है वो आपका बेटे 7 सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, ठीक है, और बेटे आपने 7 मीटर इनवर्स में लगाने हैं पापा को, बेटे जो मोलैरिटी है आपकी वो मोल्स पर मीटर क्यूब में होनी चाहिए, वो मोल्स पर मीटर क्यूब में होगी बेटे, फिर ये ध्यान रखना बस वहां, तो 1000 से नीचे मल्टीप्लाई जो मोलैरिटी आपकी आएगी उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, तो यू हैव टू एक अपना सिस्टम बना लो अपने कौन से क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करना है आपने, बीइंग अ टीचर आई एडवाइज यू दिस फॉर्मूला, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस बिटवीन मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड मोस्ट ऑफ पेपर्स, ठीक है, वी यूज दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, तो सम टाइम वहां पे कैलकुलेशन पार्ट होता है बच्चे का वो 1000 से डिवाइड करना भूल गया, ठीक है, सम प्रॉब्लम्स माइट बी कम देयर, बट इफ यू कंफर्टेबल इन दैट इट इज ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट, आंसर बी द सेम ही है, ओनली यूनिट्स विल बी डिफरेंट, इट इज ओके टू ऑल, ट्राई द क्वेश्चंस, ठीक है, ऑन दिस टॉपिक।
आगे बढ़ राइट वेरिएशन ऑफ राइट बढ़े वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी and molar connectivity with elution. Variation of connectivity and molar connectivity with elution or concentration. Or concentration. अबे केस वन विद कंसंट्रेशन बट व्हेन यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन बट क्या होगा कंसंट्रेशन बट इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया हमने स्लाइटली बट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज व्हेन कंसंट्रेशन पे इंक्रीजेस राइट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कापा इंक्रीजेस बट मोलर कनेक्टिविटी डिक्रीजेस बिकॉज बट कापा इज द नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज करोगे बेटा जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो बेटा नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो रहे हैं तो कॉपर बेटा क्या होगा इंक्रीज करेगा बस मोर नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीजेस बट सिंस जो मोलैरिटी है मोलर कनेक्टिविटी है दैट इज अ कापा इन टू थाउजेंड बाय मोलैरिटी अब बेटा मोलैरिटी बढ़ रही है मोलैरिटी बढ़ रही है कापा भी इंक्रीज हो रहा है बट बेटा इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज मोर देयर फॉर बेटे मोलर कनेक्टिविटी डिक्रीजेस ठीक है द मोर नंबर ऑफ आयंस मोलर कनेक्टिविटी decreases molarity bit badh rahi hai that affects more bit connectivity se jyada effect bit number of moles ka hota hai number of moles badh rahe hain bit to jo molar connectivity hai it decreases and it has been found experimentally aise nahi bit ye abhi aap dekhenge graph banega abhi aage iske aage Now, in case two, with dilution, that is very very important. With dilution में तो हमने volume increase कर रहे हैं हम यहाँ पे. Volume increases. बट इसके अंदर हमने पानी और डाल दिया हमने इसके अंदर. With dilution. Right, with increase in dilution, connectivity decreases. अब इधर volume बढ़ गया बेटे, number of ions बेटे per centimeter cube कम हो जाएंगे. और सब ions बेटे goes outside. जब बेटे हमने cube लिया हुआ है, it's a one centimeter cube. तो number of ions बेटे बाहर से ले आएंगे. बेटे वॉल्यूम बढ़ा दिया आपने तो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस तो बेटे नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज जब करेंगे बेटे कापा क्या होगा दैट विल डिक्रीज और कापा डिक्रीज करेगा एक मिनट जो मोलर कनेक्टिविटी है जीनो बेटे इस कापा इनटू थाउजेंड मैं बेटे बोला Since volume increase करने पे
जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, जो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे जो मोलैरिटी है वो डिक्रीज करेगी, देयरफॉर बेटा जो मोलर एक्टिविटी है दैट इंक्रीज, सो द इंक्रीज इन डिल्यूशन, इंक्रीज इन डिल्यूशन मोलर एक्टिविटी इंक्रीजेस. But this thing is called molar relativity at any concentration. See, but this thing क्या बोलते हैं? Molar relativity at any concentration C. अब बेटे suppose करो आपने बेटे इतना volume बढ़ा दिया, आपने इतना volume increase कर दिया that as the volume approaches to infinity, that the volume infinity पहुंच रहा है, तब बेटे जो मुझे आपकी molarity है, that approaches to zero. In that case, बेटे जो molar relativity होगी, that is called the molar relativity at infinite dilution or zero concentration. But as volume increases to infinity, the molarity goes to zero. मतलब इतना volume कर दिया पानी के अंदर आपने. आपने ऐसे suppose को बेटे अपने घर में वो बनाया, कोई laminate बनाया आपने. बेटे laminate proper बना दिया आपने. गलती से आपके भाई बहन ने आगे सुने बेटे एक glass पानी डाल दिया उसके अंदर. उसका taste खराब हो जाएगा उसका taste. प्रॉपर बनाया था आपने, भाई बहन आके उसके अंदर ग्लास पानी डाल दिया, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया, अभी आपको गुस्सा आ गया, अभी आपको ना प्रभुजोत, प्रभुजोत ने क्या किया, एक जग डाल दिया पानी के अंदर, उसके अंदर भर के, और खराब तो हो ही गया है, अब इसको और भी खराब कर दो, अपने एक जग पानी डाल दोगे उसके अंदर, अब टेस्ट किसका टेस्ट आएगा आपको उसका, ऑलमोस्ट टेस्ट ऑफ द वॉटर, पूरा पानी पानी हो गया वो. आपने बेटे वॉल्यूम इतना इंक्रीज कर दिया कि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब बड़े कम हो जाएंगे बेटे. वेरी वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन, वेरी वेरी डिल्यूट सॉल्यूशन. ठीक है, बेटे इसलिए हम ग्राफ बनाते हैं, इसलिए ग्राफ इज देयर बिटवीन मोलर एक्टिविटी and lambda m, sorry, concentration, square root of concentration, but this is given by this bit is given by divide अकल ऑन सागर इक्वेशन. इसे क्या बोलते हैं, डिवाइड अकल ऑन सागर इक्वेशन, डिवाइड अकल ऑन सागर इक्वेशन. बट इन्होंने इक्वेशन दी थी, दैट इज अ वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी with concentration, ठीक है, it is called the limiting molar conductivity, limit आ गया बेटे, infinity पहुंच गए, so this sometimes called the limiting molar conductivity, infinity आ गया बेटे, limit आ गई, series limit से पता mass में integration करते बेटे आप, limit आ गई वहां पर, उसके पहले maximum पहुंच गई. That's a limiting value. Okay. So, but with an active slope, so but we should compare with the C concentration. Okay, we have a graph draw. करते हैं बेटे. In case of strong electrolytes, for a KCl solution, an active slope is there. In case of a
So today if we see very carefully, चाहे बेटे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है चाहे बेटे वीक है, अब देखो इन बोथ केसेस एज कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, बेटे सी इज अ कंसंट्रेशन, बेटे कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे बेटे मोलर एक्टिविटी डिक्रीजेस, चाहे बेटे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ठीक है। तो बेटे इस केस में क्या होगा, चाहे बेटे स्ट्रॉन्ग है चाहे वीक है, ओनली बेटे फर्क कहां पे आ रहा है, उनका वेरिएशन का। इन केस ऑफ बेटे सी एल केयरफुल बेटे ग्राफ ऑफ केसीएल, बेटे स्लोप इज अ वेरी वेरी माइल्ड स्लोप, ठीक है, वेरी वेरी माइल्ड स्लोप इज देयर। It means that you see here, it is variation of molar inactivity with concentration is very very small. You see here, because but you know strong electrolytes dissociate completely. ठीक है, बेटे आपके books में ना extra books में table बना होगा बेटे वहाँ पे KCl का acetic acid याद नहीं है, आपको ट्रेंड दिखा रहा हूँ। फर्स्ट में बेटा 0.19 KCl सॉल्यूशन हुआ, इट्स मोलर एक्टिविटी लेट अस से इट्स अ 6 व्हेन डाइल्यूट इट, एंड आई डाइल्यूट कर दिया बेटा आपने इसको KCl को, ठीक है, लेट अस से बेटा इट्स कनेक्टिविटी बिकम्स 8। स्टूडेंट्स यू आर सीइंग ना, सबको दिख रहा है, सबको वीडियो नहीं ऑफ होगा किसी का, बटे क्लास में लंबी चलेगी आज थोड़ी सी ना। हेलो एवरीवन इज देयर, ओके एवरीवन इज देयर, क्लास लंबी चलेगी, ओके बेटे सपोज बेटे केसीएल हमारे पास 0.1 है बेटे, इसका बेटा लैम्डा 6 है, 0.01 है बेटे, मैंने इसको डिल्यूट कर दिया, लैम्डा कम से कम टू बी 8 बेटे, ये हमारे पास एसिटिक एसिड होगा ना बेटे, रिस्पॉन्स बेटे 4, बेटे सी हियर बेटे 0.19 KCl के लिए बेटे 6 वैल्यू थी इसकी बेटे, बेटे 0.19 पे इसकी 8 होगी, ठीक है, वैसे इतना बड़ा वेरिएशन आता नहीं है इसमें, बड़ा स्मॉल वेरिएशन आता है। बट बेटे सी हियर इन केस ऑफ बेटे एसिटिक एसिड बेटे इसके लिए पहले 4 थी 0.19 पे और बेटे 0.018 होगी बेटे, बेटे हाउ मच परसेंट है इंक्रीज बेटे, ठीक है बेटे हाउ मच परसेंट है इंक्रीज बेटे हियर, that is a 100% increase in this case, but a percentage increase is very very less, just 33% but increase kar rahe hain in case of strong electrolytes, because but you know that a strong electrolyte dissociate completely, is it a namak hai, theek hai, namak ko chahe bete aap thode pani mein dal lo, then a glass of water dal lo namak ko bete, chahe bete na jug of water dal lo, that dissociates completely, but with weak electrolytes as dilution increases number of ions increases, or you acetic acid with alpha, this alpha is very very small, 10% 20% is alpha is there for acetic acid, but as you keep on increasing the volume of the water it will dissociate, ठीक है, in that case that is a percentage increase is very very large in this case of acetic acid. This one is clear to all of you. In case of a strong electrolyte,
वेरिएशन इज बेटे वेरी वेरी स्मॉल ठीक है बट इन केस ऑफ बेटे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द वेरिएशन इज क्वाइट लार्ज देखो बेटे यहां जो वेरिएशन है दैट इज क्वाइट लार्ज लास्ट केस बेटे एज बेटे सी अप्रोच टू जीरो बेटे यहां पे As C बटे प्रो जीरो means बटे volume is infinity that is called the infinite dilution इसे बटे क्या बोलते हैं हम लोग infinite dilution but in this case of strong electrolyte बटे we can draw the graph at a very low concentration कंसेंट्रेशन काफी कम है वी कैन बटे एक्सट्रापोलेट द ग्राफ बेटे हमें इसकी स्लोप पता है बेटे हमें इसकी तो केसीएल है बेटे इसकी स्लोप पता है इसको बेटे पीछे खींच लेंगे स्लोप को इसकी दैट इज कॉल्ड द बेटे एक्सट्रापोलेशन उसे क्या बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ठीक है इज एक्स्ट्रापोलेशन इसकी स्लोप पता है इसको बेटे हमने पीछे खींच लिया एट अप्रोक्सीमेटली बेटे दिस वन सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो मोलर कनेक्टिविटी है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बेटे ग्राफिकली बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ लिख लो बेटे राइट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज बेटे सी अप्रोचेस टू जीरो एज सी अप्रोचेस जीरो दैट इज इनफाइनाइट डिल्यूशन Infinite dilution, the molar conductivity can be obtained. The molar conductivity can be obtained by extrapolating the graph. By extrapolating the graph. उस ग्राफ को हम extrapolate कर लेंगे. स्लोप पता है हमें उसकी बेटे स्ट्रॉन्ग मिलेगी बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ एंड हेंस इट कैन बी ऑब्टेन्ड हेंस इट कैन बी ऑब्टेन्ड ग्राफिकली ठीक है फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटे हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू Everybody. Next. In case of weak electrolyte, let us see here. It is a parabola. इधर बड़े parabola आ रहे हैं। तो बड़े इधर कहीं low concentration में थे। तो this becomes a parallel line. In case of a weak electrolyte, graph becomes a parallel to the y-axis. फिर graph parallel बन जाएगा। Right? In case of weak electrolyte, the graph becomes a parallel line. But if
जीरो नहीं कर रहे बेटे, बिल्कुल भी हम बिल्कुल जीरो नहीं कर रहे, दैट इज अप्रोच टू जीरो बेटे, इट इज अप्रोच टू जीरो, लिमिटिंग कंडीशन बेटे, बिल्कुल जीरो नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बेटे अभी लेमनेड का, मैंने आपको कि आपने लेमनेड में जग ऑफ पानी डाल दिया बेटे आपने, व्हेन यू ऐड अ जग ऑफ वाटर इन अ लेमनेड बेटे, उसमें फिर भी आयंस तो पड़ी है ना लेमन के सॉल्ट के, आयंस तो है उसके अंदर, बट वो इतने डिल्यूट हो गए हैं कि टेस्ट में नहीं आ रहे, ठीक है, बट दैट इज नॉट जीरो, यहां पे कंडीशन है अप्रोच टू जीरो, इट नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे जब हम क्वेश्चंस करते हैं ऐसे लिमिटिंग कंडीशंस के, आपने देखा होगा बेटे मैथमेटिकली इंटीग्रेशन के अंदर भी, वी से इट अप्रोच टू दैट, नॉट इक्वल टू जीरो, लिमिटिंग कंडीशन दी हमने यहां पे। बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ बिकम्स अ पैरेलल लाइन, hence we cannot obtain but graphically, so molar inductivity cannot be obtained graphically, so it cannot be obtained graphically, but iske liye hamare paas hai Clark's law, Clark's law. For this we have a Clark's law. Yes, yes, I'm just telling you. बेटे this is a question of straight line intercept is a here. इसको बेटे next time करेंगे हम. तो law बड़ा भी है question वाले भी आप. बेटे what is a here? बेटे c is a concentration. बेटे a is a constant, right? बेटे a is a constant. A is a constant which depends upon the type of electrolyte. A is a constant which depends upon the type of electrolyte. Electrolyte bhi kaisa hai hamara? Okay. Us case mein electrolyte jo hamara hoga, hamara hoga bhi it is one type. It has fixed value for one type बेटे. One type के बेटे मतलब क्या होगा? Type बेटे जिसकी valency one होगी. NaCl हो गया, KCl हो गया, silver nitrate हो गया. जिनकी valency one है. It has बेटे fixed value for that. ठीक है? Again just for knowledge part. ठीक है? No numerical, no question will come to you on this equation. It is a reference equation only. But it is one type. But its value one x होगी. But कोई भी value. But one two type हुआ. Suppose करो. जैसे let us say you have a sodium sulfate. You have silver carbonate. You have a silver carbonate. One two type बेटे. बट इसके लिए वाई होगी, ऐसे ही टू टू टाइप बेटे, दो दो वाला होगा सॉल्ट में, ऐसे बेटे कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम कार्बोनेट बेटे इनकी वैल्यू अलग होंगी, ठीक है, इट इज अ जेड, तो दे हैव अ डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन द बेटे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, तो दे आर द कॉन्स्टेंट ए which depends upon the nature of electrolyte. Electrolyte kaisa hai hamara? One type, two type, one two type, like that. These things are there in this case. Okay, bete. Aaj ke liye bahut itna bhi aaj ke liye. Theek hai, one small topic is there, bete. Aur le kaam karna bete. Clark's law padhna. Homework hai aapka. It's a very simple bete. जैसे इसमें हमने उसमें किए थे ना प्लस वन में हैसिस लॉ में, वैसे में यहाँ पे निकालने होते हैं मोलर इनडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, सो मोलर इनडक्टिविटी आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है, इनफाइनाइट
डिल्यूशन इज बेसिकली सम ऑफ द बेटे आयंस, सम ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द आयंस। तो इस तरह में क्या बताया था हमें, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज द सम ऑफ द कनेक्टिविटी ऑफ द आयंस। तो ये मैटर नहीं करता बेटे, जो Cl है वो Na के साथ है, Ag के साथ है, H के साथ, ये मैटर नहीं करता। दैट वी डिस्कस। ओके बेटे, तो होमवर्क क्या है बेटे आपका, ये तो ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट थी आपकी, और इस ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट थी आपके पास ये वाली, ठीक है। ट्राई बेटे क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी लेस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं इस टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन बेटे मेनली